कर्नाटक के बीजेपी विधायक के सोनिया गांधी को विषकन्या वाले बयान पर सचिन पायलट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही है और साथ ही बहुत कद्दावर नेता है, उनके प्रति इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना निंदनीय है। साथ ही पायलट ने कहा कि कर्नाटक में अपनी हार को सामने देख बीजेपी बौखलाई हुई है। वहीं दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के बयान पर पायलट ने कहा कि सरकार की नीयत इंसाफ करने की नहीं है। की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है नेताओं के खिलाफ, मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चुनाव अपनी जगह है, लेकिन मर्यादाओं को लांघकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना राजनीति में एक बहुत ही नकारात्मक उदाहरण दिया जा रहा है। और सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रही हैं, एक बहुत कद्दावर नेता हैं और उनके प्रति इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। देखो, समय समय पर संगठन में बदलाव होते रहते हैं और चुनाव सर पर हैं, 6 महीने दूर हैं, इसलिए लोगों को जिम्मेदारियाँ दी गई हैं और मुझे लगता है कि इसका अच्छा संकेत जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग जो AICC के प्रतिनिधि हैं या जो संगठन का काम संभाल रहे हैं वो धरातल पर जाएँ, लोगों से बात करें, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझें और मैंने खुद भी सुझाव दिए हैं AICC के अंदर और मुझे लगता है उस पर अमल करना चाहिए। इसलिए मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। बेरोजगारी बहुत चरम पर है, महंगाई है और केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल है, इसलिए मुझे लगता है कि जनता बदलाव चाहती है और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की स्थिति पहले से बहुत मजबूत है और भाजपा का जो प्रचार है वो सिर्फ भय और डराकर वोट लेने की प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जो एक्सटेंसिव कैंपेन हुआ है और जो रुझान आ रहे हैं मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार हम लोग बनाएंगे। देखो, राजनीति में आज मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली व्यक्ति, उनकी भाषा, उनके स्टेटमेंट्स पर चर्चा होती है, लेकिन जो देश में ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इतने सारे हमारे नौजवान पहलवान बैठे जंतर मंतर पर, उस पर कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद FIR दर्ज हो रही है। आप समझ लीजिए, जहाँ पर FIR दर्ज होना एक स्वाभाविक सी बात है और जिन खिलाड़ियों ने हमारे लिए मेडल जीते हैं, नाम रोशन किया है और इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार ने काम नहीं किया, तो स्पष्ट है कि वो अपने नेताओं को प्रोटेक्ट